नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड रिपोर्ट ऑटोमेशंस। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ जिक्र करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन के आंसर के बारे में। किसी ने मुझसे पूछा है कि वेयर इज द ट्रेंड लाइन इन एक्सेल, ट्रेंड लाइन के बारे में क्या है, इसके बारे में चलिए हम जानते हैं एक्सेल के थ्रू। तो सबसे पहले इस चीज को जानिए कि आखिर ट्रेंड लाइन की जरूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पे ये होता है। ये मौजूद होता है चार्ट्स में। तो मैं एक एग्जांपल लगा के आपको बताता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा डेटा मैं बनाता हूँ सेल्स, ये हमारा जैन फार्म का डेटा है, कुछ फिगर्स हम दे देते हैं और फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं इंसर्ट, कोई भी चार्ट हमने ले लिया। अब मुझे इसमें इसका ट्रेंड देखना है कि जो सेल्स है उसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड के कई सारे अलग अलग यूजेज हैं, अलग अलग उसके क्राइटेरिया हैं। तो राइट क्लिक करके जैसे मैं यहाँ पे ऐड ट्रेंड लाइन करूंगा तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपको लीनियर चाहिए या आपको एक्सपोनेंशियल चाहिए या आपको लॉगरिदमिक चाहिए, पॉलिनॉमल चाहिए, पावर चाहिए या फिर चाहिए मूविंग एवरेज। तो उसके हिसाब से आपके चार्ट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड एक लाइन के थ्रू आपके सामने दिख जाएगा कि आपके सेल्स का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड लाइन इसी के लिए यूज किया जाता है और ये चार्ट के हर तरह के चार्ट में उपलब्ध होता है जिसका यूज आप कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और इसी तरह के क्वेश्चंस आप मुझे वीडियो कमेंट पे, व्हाट्सएप पे या डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं जहाँ पे मैं रजिस्टर्ड हूँ, या फिर आप हमारी कंप्लीट वीडियो पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो इन सबों के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com को विजिट कीजिए, वहाँ आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा।